हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल बैक टू AVKS अकेडमी। AVKS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, नोटिफिकेशन आ गया है एंड अच्छे खासे वैकेंसीज भी आप देख सकते हो। अराउंड 322 वैकेंसीज है, वो धीरे धीरे आपका इंक्रीज भी होगा, ठीक है। वो दैट इज़ लेट अस कीप दैट असाइड। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी न्यू अपडेट्स। वो न्यू अपडेट्स से पहले आप बस एक 2 मिनट्स लेना लूँगा, जिसमें एक यूज़फुल चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, आप एप्लीकेशन तो फिल करना स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन थोड़ा आराम से ध्यान से जो है एप्लीकेशन फिल कीजिएगा। उसमें कोई भी मिस्टेक होगा तो देन यूर लास्ट जो 1 साल का हो रहा है या चार मंथ्स का प्रिपरेशन है, 6 मंथ्स का प्रिपरेशन पूरा वैनिश हो जाएगा। कोई गलती वहाँ पे नहीं करना है। काफ़ी सारे बच्चों को सर्टिफिकेट्स के लेकर डाउट्स आ रहे हैं, या काफ़ी सारे चीज़ें हैं इनकम सर्टिफिकेट के रिलेटेड है, EWS स्टूडेंट्स के लिए कैटेगरी के से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं। तो एक बार आप, अगर आपको उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो चाहिए बताओ, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। कल तक मुझे टाइम दोगे तो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, लेकिन जल्दबाज़ी में आप फिल मत करो, ठीक है। आपके पास टाइम है, 16th of May तक आपके पास टाइम है, ठीक है। और एक भी चीज़ यहाँ पे मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, फिल करने के लिए भी गाइडेंस चाहिए, ठीक है, फिल करने शर्माओ मत कि अगर आप इनकेस अगर आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हो, शर्माओ मत, आप कॉल करो, बेफिक्र आप कॉल करो। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे नंबर देता हूँ, वो कॉल करके आप आराम से जो है अपना जो जो भी बीच में हर्डल्स आप फेस कर रहे हो फॉर्म फिल करते वक्त, वो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। वो नंबर मैं देता हूँ, अगर नंबर नहीं भी लगता है आप उनको व्हाट्सएप कर दो, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया। एंड नेक्स्ट एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा, जब आप नोटिफिकेशन फिल करते हो, पेपर 2 में ऐसे आपको किस में लिखना है, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि थोड़े लोग को पता नहीं होता है तो वो इंग्लिश फेल कर देते हैं, एग्ज़ाम में जाके हिंदी लिखते हैं, पेपर उनका इवेलुएट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे मीडियम ऑफ दी एसे, अगर आप हिंदी में एग्ज़ाम में लिखना चाहते हो एसे, देन आपको हिंदी चूज़ करना है। अगर आप एसे इंग्लिश में लिखना चाहते हो देन आपको इंग्लिश चूज़ करना है। तो ये आप ध्यान में रखो। सर्टिफिकेट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट्स से आपको कोई गलती नहीं करना है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो बताओ, डेफिनेटली आई विल डू इट। कुछ कोई भी आपका नोटिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्रिपरेशन के रिलेटेड कोई भी डाउट है, मुझे कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर। सो आज का मेन थिंग यह है कि आप सबने तो नोटिफिकेशन देखा होगा, एंड नोटिफिकेशन में काफ़ी सारी चीज़ें आपने नोटिस किए होंगे। लेकिन जैसा कि फिजिकल का आप देख सकते हो, फिजिकल में लास्ट एवरी ईयर तक, मतलब आज इस साल छोड़ के एवरी ईयर तक आपका जो है जो शॉर्टपुट होता था, शॉर्टपुट में आपको बस एक ही चांस मिलता था। मतलब एक चांस में अगर आप फेल्ड हो देन, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इवन आपको भी शायद हुआ होगा, शॉर्टपुट में बाहर हो जाते थे स्टूडेंट्स, ठीक है। शॉर्टपुट हर किससे नहीं हो पाता, मतलब सही ट्रिक्स होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया है इस साल से शॉर्टपुट में, एक सेकेंड, इस साल शॉर्टपुट में आपको 3 चांस मिलेंगे। मतलब आप देख सकते हो शॉर्टपुट में आपको 3 चांसेस मिलने वाले हैं। लास्ट ईयर तक आपका बस ओनली 1 चांस था, ओनली 1 चांस इन शॉर्टपुट। एक बार नहीं कर पाए तो हो गया खत्म। लेकिन अभी से ऐसा नहीं, आपको 3 चांस मिलेगा। 4.5 मीटर्स, मतलब 4.5 मीटर्स आपको थ्रो करना है 3 चांस में, आप आराम से कर लोगे। 1 चांस में तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ जाता था, या एक ही चांस है करके देन इश्यू कुछ हो जाता था, लेकिन अभी 3 चांस है, आराम से आप कर लोगे, बस प्रैक्टिस का जरूरत है। ये आपका एक मेजर अपडेट है। एंड OTR प्रोसेस आपको पता ही होगा, लास्ट ईयर से मतलब CAPF एग्ज़ाम के लिए जो पहले एग्ज़ाम मतलब फिल करते थे उस टाइम पे कोई OTR प्रोसेस नहीं है, लेकिन अभी से आपको OTR प्रोसेस है। कोई भी आप UPSC एग्ज़ाम दोगे तो OTR प्रोसेस इज कंपलसरी, ठीक है। तो वो सारे डिटेल्स आप कर लो, उसके रिलेटेड भी हम एक नया वीडियो लेके आने वाले हैं, कैसा आपको फिल करना है करके। होपफुली आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दिस इज़ द ओनली अपडेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जो है इसको नोटिस नहीं किया है। सो ये अपडेट होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। ये इनिशिएटिव डेफिनेटली हम तो वेलकम करेंगे, ठीक है। दिस इज़ अ चेंज दैट वी नीड टू वेलकम। एंड थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।